हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अजमल के मुखलत राशिद के बारे में। ये बहुत ही पॉपुलर इनके प्रीमियम अतर में से है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर होंगे जिनके पास ये ऑलरेडी होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर अतर है मुखलत राशिद। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डिलाइटफुल रोज़ ओद और स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन है, मुखलत है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। और जो बिगनर है, जिन्होंने इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि वो रोज़ ऊद का कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसके दोस्तों, इसके सेंट प्रोफाइल जो है, इसकी टाइप जो है, ये ओरिएंटल सेंट है। इसकी ओरिएंटल इसकी प्रोफाइल है, जिसमें रोज़, स्पाइसेस और ऊद का इस्तेमाल है। और इसके नोट्स जो है दोस्तों, ये रोज़ की जो इसमें इस्तेमाल है, रोज़ बहुत ही रोज़ डेमेसिना का इस्तेमाल है, रोज़ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल है। इसमें रोज़ एब्सोल्यूट मुझे कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ होती है, और एसेंशियल ऑयल बहुत ही लाउड होता है, बहुत ही हाई प्रोजेक्शन उसके अंदर होता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है वो मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक पेपर, नटमेग का इस्तेमाल लगता है। क्यूमिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर क्यूमिन है। क्यूमिन होता तो बहुत ही ज़्यादा ये और डार्क हो जाता और इसके अंदर डेप्थ आ जाती, बट इन्होंने इसको बहुत ही प्लेन रखा है। रोज़, स्पाइसेस और ऊद, सिंपल। और ऊद इसका जो ड्राई डाउन में ऊद आता है, वो अजमल का सिग्नेचर ऊद है, जो अक्सर उन ब्लेंड्स में वो इस्तेमाल करते हैं। इसके ड्राई डाउन में दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लास्ट ब्रीथ ऑफ द फॉरेस्ट की भी याद आ जाती है। और दोस्तों, इसकी मैंने जब टेस्टिंग की थी, तो कपड़ों पर इसकी जो प्रोजेक्शन थी, वो मुझे 1 से 2 घंटा ये प्रोजेक्ट कर रहा था। 3 घंटा, जितना ज़्यादा अप्लाई करो तो उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था। और लॉन्जिविटी 12+ आवर मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। और मैंने एक चीज़ देखा, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल एरोमा केमिकल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एम्ब्रॉक्सन का इस्तेमाल है, इसके अंदर गैलेक्सी लाइट का इस्तेमाल है, ताकि सेंट को एक स्ट्रेंथ दिया जाए, सेंट के अंदर एक परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर बहुत ही कम परसेंटेज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने एम्ब्रॉक्सन का इस्तेमाल किया है, गैलेक्सोलाइट प्योर का इस्तेमाल किया है, जो इसके अंदर इसकी डिफ्यूजन को भी हेल्प कर रही है, और इसके साइलेज के लिए भी हेल्प हो रही है, और इसकी जो इसके अंदर जो डेप्थ क्रिएट किया जा रहा है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है। क्योंकि इनिशियल ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है नेचुरल्स का इस्तेमाल है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन सेंट प्रोफाइल है, बट इस तरह इसको परसेंटेज इतनी बेस्ट तरीके से इसको बैलेंस किया है, इतनी बेस्ट तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है कि ये ज़रा भी अनोइंग नहीं है, हर किसी को पसंद आएगा। यूनिसेक्स अतर है, जो लेडीज़ स्ट्रॉन्ग लगाना पसंद करती है उनको ये बहुत पसंद आएगा, जिनको लाइट लगाना पसंद है उनको ये बिल्कुल भी नहीं शायद पसंद आएगा, बट कहीं ना कहीं रोज़ है तो हो सकता है वो पसंद भी आ जाए। बहुत अच्छा ब्लेंड है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अतर है, बहुत अच्छा है, लेने लायक है। इसकी एक तोले की बॉटल 5500 दोस्तों। इसको परचेज़ करने के लिए अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है, आपके नियर बाय अगर अजमल का स्टोर है आपके करीब में, तो वहाँ से जाकर भी आप ले सकते हैं। ऑफ़र भी लगते रहते हैं, तब आप ऑफ़र में भी जाके ले सकते हैं, तब ये थोड़ा और आपको सस्ता मिल जाएगा। उपसो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सेंट और परफ्यूम से रिलेटेड, अतर और परफ्यूम से रिलेटेड आपको अगर कॉन्टेंट पसंद है, आप सुनते हो, देखते हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।